कल एक घायल बंदर लक्कड़ बाजार की एक दुकान में घुसा और बाद में जाकर दुकान की गैलरी में बैठ गया। वहां से उसे निकालने का बेहद प्रयास किया गया, लेकिन वह गैलरी से टस से मस नहीं हुआ। दुकानदार ने सुबह होने का इंतजार किया और उम्मीद लगाई कि बंदर यहां से खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन बंदर सुबह भी वहीं पर मौजूद था। दुकानदार ने SDM सोलन रोहित राठौर को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत वन विभाग के अधिकारी को बंदर को पकड़ने के आदेश दिए। कल एक घायल बंदर लक्कड़ बाजार की एक दुकान में घुसा और बाद में जाकर दुकान के गैलरी में बैठ गया। वहां से उसे निकालने का बेहद प्रयास किया गया, लेकिन वह गैलरी से टस से मस नहीं हुआ। दुकानदार ने इसकी सूचना दमकल विभाग, पशु चिकित्सालय, वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन सभी ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनके पास बंदर पकड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है और न ही उनके पास कोई बेहोश करने की कोई तकनीक है। दुकानदार ने सुबह होने का इंतजार किया और उम्मीद लगाई कि बंदर वहां से खुद चला जाएगा, लेकिन बंदर सुबह भी वहीं मौजूद था। दुकानदार ने SDM सोलन रोहित राठौर को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत वन विभाग के अधिकारी को बंदर पकड़ने को आदेश दिए। तब जाकर वन विभाग हरकत में आया और एक ऐसे कर्मी को बंदर पकड़ने भेजा जो अपने दम पर किसी बिना प्रशिक्षण के बंदर पकड़ने में महारत हासिल कर चुका है। उस कर्मी ने अपनी जान दांव पर लगाकर बंदर को भारी मुशक्कत के बाद पकड़ लिया। अधिक जानकारी देते हुए वन विभाग के जांबाज कर्मचारी रमेश ने बताया कि बंदर बेहद जख्मी हालत में था और वह किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने बंदर को बड़ी सावधानी से पकड़ा और पकड़कर बोरी में बांध लिया है। उन्होंने बताया कि अब वे इसे ले जाकर प्राथमिक उपचार देंगे और इसे ठीक कर जंगल में छोड़ देंगे। बंदर घायल अवस्था में था, काफी था, हमने उसे जो भी हम अपने इससे कर सकते थे हमने बंदर को अच्छे ढंग से पकड़ा और उसे अब क्या करेंगे, अब इसे हम ले जाएंगे रेज ऑफिस, फर्स्ट एड भी देंगे, उसे रखेंगे हम इसको अपना, अगर जब तक ठीक नहीं होगा तब रखेंगे, और जब ठीक होने लायक होगा इसको तो हम कोशिश करेंगे ये अच्छी अवस्था में इसे हम ठीक करके जंगल में छोड़ दें। जैसे ट्रंकुलाइजर वगैरह होना चाहिए और ट्रंकुलाइजर इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, हमारे आपसे लोग तो जैसे जख्मी बंदर था, वैसे तो मैक्सिमम ये पकड़े नहीं जाते हैं, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को भी कि बंदर को कैसे पकड़ा जाए और जो बंदर जख्मी नहीं है उसको कैसे पकड़ा जाए, बिना जो जख्मी है उसको कैसे पकड़ा जाए, लेकिन हम इसे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये सबके पकड़ने के इसमें भी नहीं होते कि हर कोई बंदर को पकड़ना पकड़ ले। हम इसे मतलब बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें खुद भी ना खाए, दूसरों को नुकसान भी ना पहुंचाए। आपदा से निपटने की विभाग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन सोलन में किसी भी विभाग के पास बंदर पकड़ने तक के साधन मौजूद नहीं है। सूत्रों की माने तो जंगली जानवर जब शहरी इलाकों में ऐसे परेशानी का सबब बनते हैं तो उन्हें ट्रंक क्लोजर देकर बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद उसका रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सुविधा केवल शिमला में उपलब्ध है। शहरवासियों की मांग है कि ऐसी सुविधा हर जिला में होनी चाहिए। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।